नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमन। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। बुलंदशहर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में एक और आरोपी कलुआ को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रशांत नट के साथ कलुआ भी इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या में शामिल था। उसने इंस्पेक्टर के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया था। पुलिस कलुआ से पूछताछ कर रही है। बीते साल 3 दिसंबर को सयाना कोतवाली इलाके में चिंगरावट्टी गाँव में गोकशी के बाद हिंसा भड़क गई थी। इसमें सयाना कोतवाली के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और सुमित नामक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस ने अब तक इस कांड में 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी प्रशांत नट भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक प्रशांत ने ही इंस्पेक्टर को गोली मारी थी। उज्जैन पहुंचे कमलनाथ, महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ मंगलवार को पहली बार उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में सीएम ने विशेष पूजा भी की। इस दौरान नंदी हॉल में आलोट सहित 5 विधायक और शहर तथा जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इससे पहले हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय नेता पहुंचे थे। करीब 200 नेता लाइनअप एरिया में थे, जो कि बैरिकेड्स से बाहर से नाथ से मिले। कार्यकर्ताओं के लिए 300 कुर्सियां भी लगाई गई थी। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। रायपुर में नए साल की पूर्व संध्या पर जहां एक और पूरा देश और दुनिया जश्न में डूबे हुए थे, वहीं नक्सलियों का सामना करने वाले जवान केक सेरेमनी के साथ उनके खात्मे की शपथ ले रहे थे। राजधानी रायपुर के थनोट में सीआरपीएफ बटालियन ने कैंप फायर का आयोजन और आतिशबाजी कर जाते हुए साल को विदाई दी। राजधानी के अभनपुर क्षेत्र में थनोट में सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन जोश और जज्बे के साथ नए साल का स्वागत किया। डिप्टी कमांडेंट पी कुमार के नेतृत्व में जवानों ने कैंप फायर के साथ जमकर थिरके और सबको लुभा लिया। इस दौरान महिला जवानों ने भी केक सेरेमनी के बाद साथियों संग डांस का मजा लिया। डिप्टी कमांडेंट पी कुमार ने कहा कि इस कैंप में भारत देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए जवान नक्सलियों के सामना करने के लिए आए हैं। उन्हें अपने जीवन की भी परवाह नहीं है। इस दौरान जवानों ने शपथ ली वह इस साल नक्सलियों का खात्मा जरूर करेंगे। जोधपुर जैसलमेर के पर्यटक स्थल सम से नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे पर्यटकों के 4 वाहन सोमवार देर रात जैसलमेर रोड पर भिड़ गए। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हैं। इन सभी को इलाज के लिए जोधपुर लाया गया है। पुलिस ने बताया कि रेतीले दोरों में जश्न मनाकर बड़ी संख्या में पर्यटक रात को जैसलमेर के लिए रवाना हुए। शराब के नशे में चूर कुछ युवाओं ने अपने वाहन बहुत तेज गति के साथ भगाना शुरू कर दिया। सम व जैसलमेर के बीच तेज रफ्तार वाहन आपस में भिड़ गए। वहां से निकलने वाले अन्य पर्यटकों ने इन वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। इसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 3 की हालत गंभीर है। मुजफ्फरपुर के बाजतपुर गांव स्थित तिरहुत फूड फैक्ट्री में आग लग गई। 5 मजदूर जिंदा जल गए, 4 गंभीर रूप से झुलस गए, 2 मजदूर लापता हैं। कई शवों के पूरी तरह से जल जाने के कारण शिनाख्त नहीं हो पाई है। फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। आग की लपटों के बीच फैक्ट्री में रखे रसोई गैस के 4 सिलेंडर के एक के बाद एक विस्फोट हुए। सुबह 3:30 बजे अचानक आग की लपटें पूरी फैक्ट्री में फैल गई। प्रयागराज में रथ बग्घी हाथी घोड़ों के साथ शाही अंदाज में मंगलवार को पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की पेशवाई निकली। इस पेशवाई में 100 से अधिक महामंडलेश्वर रथों पर सवार होकर निकले। हाथी में ध्वजा पताका लिए और शरीर पर भस्म पोते नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र रहे। नागा सन्यासी अल्लापुर स्थित आश्रम से संगत तट तक ढोल नगाड़ों की शंखनाद करते हुए पहुंचे। पेशवाई में परंपरागत तरीके से शाही अंदाज में हजारों की तादाद में साधु संत शामिल हुए। ध्वजा पताका हाथी घोड़ा के अलावा तरह तरह के प्राचीन अस्त्र शस्त्र को लेकर नागा संत चल रहे थे। बड़े बड़े डमरू बजाए जा रहे थे। साथ में अखाड़े के महामंडलेश्वर संत महंतों की सवारियां चल रही थी। इस पेशवाई में कई विदेशी बाबा भी रथों बग्घियों पर सवार होकर निकले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।